أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير وناصر ومعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته माह ज़ियाफ़तुल्लाह वो महीना जिसमें हम और आप माबूद हकीकी के मेहमान हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा होता है वक्त अफ्तार जब हम माबूद के बिछाए हुए दस्तरखान पर बैठते हैं और उसकी दी हुई नेमतों से सरशार होते हैं। वही खुदावंदे करीम जिसने हमें और आपको ये दावत दी कि हम उससे मांगें और वो हमें अता करेगा, वही रब्बे किरदिगार जो हमारा मालिक है, हमारा रब है, हमारा खालिक है, वो हमारी ज़रूरतों से वाकिफ है और वही परवरदिगार आलम जिसने हमारी हकीकत को कुरान मजीद में इस तरह से बयान किया। सूरह इंसान जिसे सूरह दहर भी कहते हैं, पहली आयत में खुदावंदे करीम ने फरमाया हल अता अलल इंसान हीन मिन अज़्ज़हर लम यकुन शय्यन मज़कूरा, कि क्या ऐसा नहीं है कि ए इंसान तू कोई काबिले जिक्र शय नहीं था, यानी तेरा कोई जिक्र नहीं था, तेरा कोई तस्करा नहीं था, तेरा कोई वजूद नहीं था। हमने तुझे वजूद बख्शा, अदम से वजूद में लाने वाली वो ज़ात है रब्बे किरदिगार की ज़ात, और वो ऐसी ज़ात है कि जो सबसे ज़्यादा हमारे और आपके करीब है। वो इतनी करीब ज़ात है कि जिसने क़ुरान मजीद सूरह काफ़ आयत नंबर 16 में हमसे कहा वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और हम ऐ मेरे बंदे तेरे शहे रक से भी ज़्यादा करीब है। वो परवरदिगार आलम जो हमारे शहर से भी ज़्यादा करीब है, जो हमारी ज़रूरतों को जानता है, जिसने अदम से हमें वजूद बख्शा है, वो चाहता है कि हम उससे मांगें, वो चाहता है कि हम उसकी बारगाह में दुआ करें। और उसके हबीब ने क्या फरमाया दुआ के सिलसिले से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर फरमाते हैं दुआ इबादत की रूह है। यानी अगर कोई इंसान दुआ न करे तो वो हलाक हो जाएगा, क्योंकि इबादतों की रूह को दुआ कहा गया है। और ये वही दुआ है कि जिसके लिए इमाम बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मकाम पर फरमाया कि जब किसी ने मौला से पूछा था कि मौला सबसे अफजल इबादत कौन सी है, तो मौला ने जवाब दिया था सबसे अफजल इबादत दुआ मांगना है, खुदा की बारगाह में तलब करना है। और दूसरी हदीस खूबसूरत सी जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से नकल हुई, मौला ने मुआविया इब्ने वहब से फरमाई, मौला फरमाते हैं अगर किसी को तीन चीज़ें मिल जाए ना तो वो कभी तीन चीज़ों से महरूम नहीं होता। वो कौन सी तीन चीज़ें हैं? सबसे पहले मरहले पर मौला ने फरमाया कि अगर किसी को शुक्र करने की अदा मिल जाए तो उसके वो रिस्क में कभी कमी नहीं होती है और वो कभी रिस्क से महरूम नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि परवरदिगार आलम ने सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7 में फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं ज़्यादा करूँगा, मैं इजाफा करूँगा, मैं देता चला जाऊँगा। दूसरा मौला ने फरमाया कि अगर किसी को तवक्कुल जैसी दौलत मिल जाती है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने जैसी दौलत मिल जाती है, तो वो कभी अल्लाह के साथ से महरूम नहीं होता, यानी हमेशा रब उसका साथ देता है। क्योंकि खुदावंदे करीम ने सूरह तलाक आयत नंबर 3 में फरमाया वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु, कि वो जिसने अल्लाह पर भरोसा किया तो बस खुदा उसके लिए काफ़ी हो गया।
और मौला ने तीसरी बात कही कि जिसको दुआ करने की सआदत मिल जाती है वो कभी कबूलियत से महरूम नहीं होता। क्यों कबूलियत से महरूम नहीं होता? इसलिए कि खुदा ने खुद कहा है उदउनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। और फिर एक और खूबसूरत सी हदीस आती है अब्दुल्लाह इब्ने वलीद से, जो इमाम से नकल करते, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से नकल किया गया। कहते हैं कि मौला ने फरमाया तीन चीजों के साथ नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। बहुत गहरा जुमला है जिसमें सबसे पहले मरहले पर मौला ने दुआ की अहमियत को बताते हुए कहा कि बेचैनी में दुआ करना, तीन चीजों के साथ कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। यानी अगर बेकरारी है, बेचैनी है और उसमें हम दुआ करेंगे तो ये बेकरारी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि ये बेचैनी हमारे लिए फायदा बन जाएगी। उसके बाद मौला ने फरमाया गुनाह के वक्त अस्तग़फार करना, अगर गुनाह हो गया है उसके बाद अगर हमने अस्तग़फार कर लिया, तौबा कर लिया, तो फिर ये गुनाह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि अल्लाह उस गुनाह को अस्तग़फार की वजह से, तौबा की वजह से माफ कर देगा। तीसरा मौला ने फरमाया कि अगर नेमत के वक्त शुक्र करें तो नेमत कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यानी ये नेमत ऐसी है कि जब अल्लाह तुम्हें अता करे ना, तो इस नेमत का शुक्र अदा करो। अगर तुमने नेमत का शुक्र अदा नहीं किया जैसे अदा करने का हक है, तो फिर ये नेमत तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो जाती है। लेकिन अगर तुमने नेमत के वक्त शुक्र किया है तो ये नेमत तुम्हें और ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगी, नुकसान नहीं देगी। और माबूद हकीकी यही चाहता है कि हम उससे मांगते रहें, गिड़गिड़ाते रहें। और उसके बाद नबी करीम ने बहुत खूबसूरत जुमला अर्ज किया, फरमाते हैं मौला कि जिस शख्स के लिए दुआ के दरवाजे खुल जाते हैं ना, अगर दुआ के दरवाजे उसके लिए अल्लाह ने खोल दिए, उसने किसी तरह से अल्लाह की बारगाह से अपने लिए दुआ का दरवाजा खुलवा लिया है, तो फिर उसके लिए अबवाब रहमत भी खुल जाते हैं। फिर दरवाजा नहीं कहा, अबवाब कहा, यानी सारे दरवाजे, फिर रहमत के सारे दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। और हम और आप देखें, माबूद हकीकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कह रहा है कि तुम मांगो और मैं तुम्हें दूंगा, तो वो देता नहीं है। बेशक वो हमें और आपको अता करता है, बेशक वो हमें और आपको इनायत करता है। हाँ, उसकी इनायत के तरीके थोड़े से अलग होते हैं बाज़ों का, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि दुआ मांगी थी और हमारी दुआ कबूल नहीं हुई है, क्योंकि माबूद हकीकी के अता करने का जो अंदाज है ना, वो थोड़ा सा अलग है, वो थोड़ा सा जुदा है। देखें, दो चीज़ें समझें हम पहले। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि एक होता है जो देने वाला है, देने वाले की तरफ से किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि वो ऐसा रब है कि जो अपने वादे की खिलाफी नहीं करता। उसने वादा कर दिया है तो वो अता करेगा, यानी वहां से अता में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। मसला कहाँ पर आ जाता है, ये जो मांगने वाला होता है ना, इससे कहीं ना कहीं कोई रुकावट आती है। इसकी वजह से, या तो मांगने के अंदाज की वजह से, या मसलहत की वजह से, या किसी और वजह से। इसी वजह से कहा गया कि इस्तेजाबते दुआ के भी मराहिल हैं। यानी अल्लाह की बारगाह में जब दुआ कबूल होती है तो उसके भी मरहले हैं। पांच मरहले बयान किए गए, इसे समझें। माबूद हकीकी जब दुआ को कबूल करता है तो पांच तरीके से, पांच मरहले में दुआ कबूल होती है। सबसे पहला मरहला है उजलत, इंस्टेंट दुआ मांगी और कबूल हो गई। सही है, ऐसा होता है ना, जबान से कुछ निकला और वो हो गया और हम फौरन कहते हैं कि काश कुछ और मांग लिया होता है। ऐसा ही है ना, इंस्टेंट दुआ कबूल होती है बाज़ औक़ात। दूसरा मरहला है मुद्दत, मुद्दत यानी टाइम लगता है, वक्त लगता है दुआ की कबूलियत में। कभी बहुत अरसा गुजर जाता है, 20 साल भी लग जाते हैं एक दुआ की कबूलियत में।
ये अल्लाह की मसलहत होती है। बहरहाल तीसरा मरहला होता है एवज, यानी ना उजलत ना मुद्दत, ना दे जल्दी कबूल होगी ना देर में कबूल होगी, बल्कि उसका एवज मिलेगा, इसके बदले में कुछ और देगा अल्लाह। मिसाल के तौर पे हमने अल्लाह से हज मांगा था, उसने हमें करबला की जियारत से मुशर्रफ किया, एवज देता है बाज औकात। चौथा मरहला जो आता है वो ये मरहले हैं कि परवरदिगार आलम बाज औकात के हमारे दुआओं को कबूल नहीं करता, लेकिन उसके बदले में माबूद हकीकी आखिरत में हमारे दर्जात को बुलंद करता है, क्योंकि उसका वादा है कि मांगो दूंगा, लिहाजा जो मांगा है वो न देकर जन्नत में उसके बदले में हमारे दरजात को अल्लाह बुलंद करता है। और पांचवा मरहला है तब्दीली, बदल देता है हमारी दुआओं को किसी और चीज में बदल देता है। मिसाल के तौर पर हम जब अल्लाह से मांगते हैं तो वो चीज अगर उसकी मसलहत के मुताबिक हमारे लिए सही नहीं होती है, दुरुस्त नहीं होती है, तो खुदा उस मांगने की वजह से हमारे गुनाहों को माफ करता है। हमारे गुनाह अल्लाह ऐसे माफ करता है कि बिल्कुल हम और आप ऐसे पाक हो जाते हैं जैसे नौमौलूद अभी दुनिया में आया है, वो जैसे पाक है, अल्लाह हमें वैसे पाक कर देता है। यानी हमें हर हाल में मांगना है। ये पांच मरहले समझने के बाद अगर हम समझ जाए ना इन पांच मरहलों को, तो इंसान कभी मांगना बंद ही नहीं करेगा, क्योंकि इन पांच मरहलों में बताया जा रहा है कि या तो उजलत से मिलेगी, मुद्दत से मिलेगी, मुद्दत और उजलत भी ना हुई तो हमें और आपको उसका एवज मिल जाएगा, एवज भी ना मिला तो जन्नत में दर्जात बुलंद हो जाएंगे, जन्नत के दर्जात भी ना बुलंद हुए तो हमारे अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा। कितना अजीम रब है, कितना करीम रब है खुदा, तेरी इन्हीं अदाओं से इश्क होता है, तेरी इन्हीं अदाओं पे इंसान है ना कुर्बान है, इंसान फिदा है। ए माबूद हकीकी तू बिल्कुल वैसा है जैसा हम चाहते हैं, इस माह रमजान में हमें वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। खुदाबंदे करीम हमें दुआओं के फलसफों को समझने की तौफीक इनायत फरमा, और तेरी बारगाह में क्योंकि तूने कहा है मांगो लिहाजा मांगते हुए बस यही कहते हैं ज़ुहूर इमाम ज़मान में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।